इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में. फॉर बिगर एंड बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस विजिट तनिष्क नियर रिलायंस फ्रेश वैशाली नगर मेन रोड अजमेर. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आज पूरे भारत में सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से मांग पत्र दिया गया है और सभी जिलों में जिस तरह प्रदर्शन करके सरकार की जो नीति है, सरकार अपने किए हुए वादों से मुकर रही है. आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 सितंबर से वेतन विसंगति दूर करके कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, वो आज तारीख 26 सितंबर तक भी जो है मुख्यमंत्री जी ने उस घोषणा को पूरा नहीं किया. कर्मचारियों में विरोध है. हमारी जो मांग पत्र है, मुख्य मांग पत्र में जो बिंदु है उसमें सबसे पहला ये है कि PFRDA में जो 41,000 करोड़ रुपया PFRDA एक्ट ख़त्म हो, पुरानी पेंशन जो है वो भारतवर्ष में जिस तरीके से पुरानी पेंशन थी वो लागू रहनी चाहिए. मुख्य मुद्दा वेतन विसंगति का है. वेतन विसंगति दूर करके 2013 के जो अनुसूची 5 में जो है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार सबका वेतन निर्धारण होना चाहिए. इसके साथ साथ ही मंत्रालय के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको शासन सचिवालय के पैटर्न पे उनके वेतन भत्ते हों. सबसे मुख्य मांग इसके साथ साथ है जो शिक्षकों के तबादले नहीं हो रहे हैं, जो वर्षों से जो शिक्षक हैं वो एक जगह बैठे हुए हैं तबादलों के इंतजार में. बार बार सरकार ये कह के टरका रही है कि हम स्थानांतरण नीति ला रहे हैं, लेकिन ना तो स्थानांतरण नीति का कोई प्रारूप आया है और ना ही किसी तरह का कोई जो उनके स्थानांतरण के लिए जो शिक्षक परेशान है उनका मुख्य मुद्दा है. एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकार ने MTS घोषित करने का वादा किया था, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ है. एक 18 महीने का जो कोरोना काल में महंगाई भत्ते का एरियर था, केंद्र सरकार ने अभी तक उस वेतन एरियर को रोका हुआ, महंगाई भत्ता एरियर को. हम मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द कर्मचारियों के खाते में डालें. एक जो सबसे बड़ा मुद्दा भी कर्मचारियों के बीच आ रहा है कि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी है, लेकिन केंद्र सरकार ने आज दिनांक तक भी जो है वो वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है. तो पूरे भारत के कर्मचारियों में एक रोष है और आज पूरे भारत के जो कर्मचारी हैं वो इसी तरीके से जिला कलेक्टर पे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक मांग पत्र जो है वो सरकार को भिजवा रहे हैं. आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ अजमेर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय को कर्मचारियों की जायज़ मांगों के अनुसार ज्ञापन दिया गया है और ये हमारी मुख्य मांगें कई सालों से लंबी चली आ रही है. तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनका पूरा करें. जैसे ये हमारी OPS है जो इस भारत सरकार ने अभी जो ये नई पेंशन UPF चला रखी है उसको एक तो निरस्त किया जावे और जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो OPS पुरानी स्कीम चला रखी है उसको लागू रखें. और 41,000 रुपये जो हमारे जो 41,000 करोड़ रुपए जो हमारे ये PRF इंडिया गवर्नमेंट ने जो हमारे रख रखे हैं उनको भी हमारे राज्य सरकार को हमारे लौटावें और हमारे PF में जमा करावे कर्मचारियों के.